हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने बनाया था ये वाला हेयर स्टाइल, बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप अगर अब ये वाला हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आज बताने वाली हूँ अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप कैसे अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो। बाद बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, दोमुए हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं, बाल नए बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। पहले मुझे लगा माइक ऑन है, बट माइक ऑन नहीं था, इसलिए मुझे बाद में आवाज़ ऐड करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे पहले अपने बालों को ओपन कर लूँगी और फिर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे के आऊँगी जिससे आपके जो हेयर फॉल हैं वो 100% तक रुक जाएंगे और आपके नए बाल उगने लग जाएंगे और बालों का ग्रोथ भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बालों को ओपन कर लिया। हेयर स्टाइल काफ़ी प्यारा है और हाई बन है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हेयर स्टाइल सॉरी अब तक हेयर फॉल हो रहा है तो आपको क्या करना है, कैसे यूज करना है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने बालों को ओपन कर लिया है। अभी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं एंड सबके झड़ रहे होंगे क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से सबके बालों का जो ग्रोथ है कम हो रहा है, झड़ रहा है बाल, और बाल बहुत रफ़ अजीब से ड्राई दिख रहे हैं। तो ये है विटामिन ई का कैप्सूल, इवेन 400 mg का है, काफ़ी अच्छा है। ये आपके स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट्स है, रिंकल है, फाइन लाइन्स है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, डार्क धब्बे हैं, छाइयाँ आ रही हैं, तो इसके अंदर का कैप्सूल लेना है, उसको पंक्चर करना है, उसमें ऑयल निकलेगा, पूरे फेस पे मसाज करना है, रात भर के लिए छोड़ देना है एंड सुबह आप इसको फेस वॉश कर सकते हो। इससे आपका जो स्किन का लूज हो गया, स्किन आपकी वो भी टाइट होगी। बट इसको दिन में मत यूज कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा होने की वजह से डर्ट, धूल, मिट्टी को अट्रैक्ट करता है और आपकी स्किन सांवली दिखती है, होती नहीं है सांवली बट सांवली दिखने लग जाती है। तो इसलिए कहूँगी कि दिन में यूज़ मत कीजिएगा, रात में यूज़ कीजिए, सुबह फेस वॉश से वॉश कर लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको एक वीक में ही देखने को मिलेगा आपके स्किन के लिए। बालों के लिए तो आप एक यूज में ही आपके बालों में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आई हुई थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो मेरी भी स्किन पे काफ़ी डार्क स्पॉट्स थे और जो मैंने विटामिन ई की कैप्सूल से ही, और मेरे यंग दिखने का सभी लोग राज पूछते रहते हैं कि क्या यूज करते हो कि आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है, इतनी यंग दिखती है। तो मैं इसी तरीके से विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि झुर्रियाँ आ रही हैं, डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मेरे स्किन का जो स्किन टाइट रहती है, इस तरीके से इसको पंक्चर करना है। आप सुई से भी पंक्चर कर सकते हो, मैंने कैंची से किया हुआ, और इस तरीके से आपको इसको हाथों पे ले लेना है और आप अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करोगे। आप इसी तरीके से हाथों को लेके फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे भी आपके हेयर ग्रोथ कम हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, वहाँ पे आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट लगा दीजिए। आप इसको किसी ऑयल में भी मिक्स कर सकते हो, जो भी ऑयल आपको सूट करता है उसका पावर ये दोगुना बढ़ कर देगा एंड आपका जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो तो रुकेगी ही रुकेगी, साथ के साथ आपके नए बाल भी उगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। आप नारियल के तेल में, सरसों के तेल में, जो भी तेल आप अपने बालों में यूज करते हो उसमें इसको मिक्स करके उसका पावर जो है वो दोगुना बढ़ा सकते हो और अपने बालों की जो प्रॉब्लम्स है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। तो हमेशा के लिए तो नहीं बोलेंगे, मतलब जब भी आपको लगे कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद, आप ये कर सकते हो, उसके बाद आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से यूज करती हूँ एंड हेयर वॉश करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट बताऊँगी। बट अभी मैं इतना ही वीडियो अपलोड करूँगी, हेयर वॉश करने के बाद जो इसका रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से सारे बालों में आपको कैप्सूल को छेद करके इसका ऑयल निकाल के बालों में लगाना है, बट ऐसे ही नहीं छोड़ना है, जहाँ पर भी आप लगा रहे हो। ये देखिए, मेरा माइक ऑफ था, मैंने ऑन किया बट ऑन नहीं हुआ क्योंकि ये डिस्चार्ज हो चुका था। तो चलिए माइक निकाल देते हैं। सॉरी, मेरा माइक हो चुका था डिस्चार्ज और मैंने इतना ज़्यादा बातें कर ली आप लोगों से, इसके बारे में इतना ज़्यादा बता दिया, बट कोई बात नहीं। तो ये ऑयल है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है विटामिन ई का कैप्सूल, और मेरी आवाज़ आई नहीं है तो मैं उसमें बाद में ऐड कर दूँगी। तो इसी तरीके से आपको स्कैल्प पे ऑयल को लगाते जाना है और हल्का हल्का हाथों से इसको मसाज भी कर देना है, इस तरीके से, इस तरीके से पूरे बालों में इसको अप्लाई करना है। तो जाइएगा मत, मैं पूरा अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैं इसको एक दिन पूरा अपने बालों में रखने वाली हूँ ताकि इसका जो वर्क है वो पूरा अच्छे से करे एंड जो मेरे न्यू हेयर निकलने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी निकल पाएँ। और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होते रहता है बट मैं यही सब टिप्स यूज करती हूँ जिसकी वजह से न्यू हेयर निकलते हैं एंड स्कैल्प नहीं दिखता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, यहाँ से हम लोग को अक्सर बाल झड़ जाते हैं,
तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे लगाना, जहाँ आपको लगे कि मेरे बाल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से मांग निकाल निकाल के इस तरीके से पूरा फैला लेना है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है मेरे बाल बैक साइड से बहुत ज़्यादा मतलब हेयर फॉल होता है मुझे, तो मैं बैक साइड में ज़्यादा लगाऊंगी। और जब आप इसको यूज़ करोगे तो कम से कम इसको एक दिन के लिए पूरा बालों में लगा रहने दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि एक दिन तक पूरा ये अपने आपके बालों में वर्क करेगा, जिससे कि आपका हेयर फॉल जहाँ से भी हुआ होगा या फिर बहुत ज़्यादा गंजापन सा आ रहा है तो वहाँ पर ये न्यू बाल निकलने में मदद करेगा। इस तरीके से मुझे बैक में बहुत ज़्यादा हेयरफुल लगता है कि होता है, एंड बैक में मेरे बाल बहुत पतले हैं और कम हैं तो मैं बैक में इसको ज़्यादा यूज करूँगी। हाइट जो मेरा है वो ख़राब हो चुका है, थी क्योंकि मैंने एक ही वीडियो बनाया वो डिस्चार्ज हो गया। बच्चों का मेकअप करते हो तो आपको किन किन बालों का ध्यान रखना चाहिए इस पर डिटेल वीडियो चली गई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बच्चों का मेकअप करते हैं हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन सा प्रोडक्ट उनके फेस के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, कैसे आप उनको बहुत अच्छा लुक दे सकते हो विदाउट केमिकल वाले प्रोडक्ट उनके फेस पर यूज किए बिना। तो वीडियो जा चुकी है तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से पूरे बालों में मैं कैप्सूल लगा लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली मैंने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है ये वाला कैप्सूल एंड यहाँ पे थोड़ा कलर रह गया था तो यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। एंड पूरे बालों में मैंने लगा लिया है एंड मैंने कितने कैप्सूल लगाए बालों में दिखाती हूँ आपको। एक दो आई थिंक इधर उधर गिर गया होगा, बाकी इतने सारे कैप्सूल्स मैंने बालों में अप्लाई कर लिया है और ये इतने सारे कैप्सूल यूज किए, एक तो पूरा पत्ता था इसमें दो कैप्सूल थे और इतने मैंने अप्लाई कर चुके हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके बालों के लिए, थंबनेल के लिए ये वाला बेस्ट रहेगा। चलिए इसको फेंक देते हैं, इसको रख देते हैं क्योंकि काम आएगा और दो तीन कैप्सूल और गिरे हुए हैं एंड इसको अच्छे से जड़ों में मसाज करेंगे, जिससे कि हमारी जो बेबी हेयर्स निकलने वाले हैं न्यू हेयर ग्रोथ उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि स्कैल्प के अंदर जाएगा तो अपना वर्क अच्छे से कर पाएगा। बैक में मेरे हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं तो मैं बैक में थोड़ा ज़्यादा मसाज दूँगी एंड हेयर वॉश करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट बताऊँगी। पाने से क्या होता है कि ऑयल आपके स्कैल्प में बहुत जल्दी जा पाता है जड़ों के अंदर, तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है। मैं लेंथ में नहीं लगा रही हूँ ऑयल, आप चाहो तो लेंथ में लगा सकते हो क्योंकि मुझे जड़ों की प्रॉब्लम है, मेरी हेयर बहुत ज़्यादा हो रही थी अभी, तो मैं इसको हेयर वॉश करने के बाद बताऊँगी कि आपको रिजल्ट कैसा मिला मुझे। और मैंने जब भी लगाया है ये काफ़ी असर करता है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है क्योंकि जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों में मतलब ऑयल जब भी लगाती हूँ तो कम से कम 20 से 30 बार हाथ में आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं आए, एक बार दिख रहा है। तो आई थिंक ये वर्क करेगा, हेयर वॉश करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको तब शेयर करूँगी। तब तक लिए थैंक फॉर वॉचिंग, जाइएगा नहीं वीडियो में भी और कुछ बहुत कुछ बाकी है तो वो भी जरूर देखिएगा। तो इसको पहले मैं इस तरीके से जुड़ा बना लूँगी बालों को। मिलते हैं हेयर वॉश करने के बाद। गाइस तो इतने सारे बाल मेरा हेयर फॉल हुआ है, बाल देख के मैं लग रही हूँ पागल हो जाऊंगी, इतना सारा हेयर फॉल मेरा हुआ है। तो अब हेयर फॉल इतना ज़्यादा हुआ है इसको कम करने के लिए क्या करेंगे वो बताऊंगी। ये मेरे बाल हैं, आप मैच कर सकते मेरे बालों से, मुझे बाल देख के सच में रोना आ रहा है, बट अब
रोने से काम तो नहीं चलेगा, तो हेयर फॉल इतना हो चुका है, अब आगे से ना हो उसके लिए क्या करना है वीडियो में देखिएगा।